लुट रही ये बस्तियां गोद में तराई की थारू के बसेरे। बातें भूख सार की, बातें भूख सार की, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां। संगीत, कला और नृत्य की अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी थारू और बुक्सा जनजाति के लोग अपनाए हुए हैं। चित्रकला, हस्तकला, नाट्यकला, संगीत कला, इन सभी में विविधता है, कला कौशल है, आकर्षण है। इनकी लोक धुनें, लोक नृत्य, लोकगीत वास्तव में बहुत सुंदर हैं। इनमें थारू और बुक्साओं की अपनी लोक संस्कृति झलकती है। इन जनजातियों के जीवन का संगीत से गहरा संबंध है। इनके लोक गीतों में संगीत समन्वित है क्योंकि इनमें बौद्धिक व्यवधान न होकर स्वाभाविक प्रवाह मिलता है। थारू और बुक्सा जनजाति के लोकगीतों की ये विशेषता है कि इनमें पिंगल और छंद नहीं मिलते। लोकगीत लय प्रधान होते हैं और गायक गाते समय गीत को दीर्घ और दीर्घ करते हैं। जनजाति गीत अकेले बहुत कम गाए जाते हैं। ये लोग सामूहिक रूप से गाना पसंद करते हैं, जिससे इनकी लोक संस्कृति और ज्यादा समृद्ध दिखाई देती है। इनके गीत स्वाभाविक और रागात्मक होते हैं। इनके गीतों में लय और ताल दर्शाने वाले जो वाक्य होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है और संगीत कला में पारंपरिक वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी भाषा में कन्नौजी और खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रभाव मिलता है। इसके अलावा अवधी, भोजपुरी और मैथिली भाषा का समन्वित प्रभाव भी दिखाई देता है और यही कारण है कि जनजाति के गीतों में भाषा का स्वरूप अधिकांश रूप से मिश्रित है। लोक भाषाओं के समान थरुहाट और बुक्साड़ में सभी प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। नैनीताल जिले में गाए जाने वाले लोकगीत ब्रज भाषा का मिश्रित रूप हैं, क्योंकि अपने आसपास के जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनका प्रभाव भी इनमें है और यही कारण है कि इनकी अपनी ये मिश्रित भाषा अब मूल भाषा बन गई है। थारू और बुक्साओं के नारी पुरुष दोनों प्रकार के गीतों में कुछ ऐसे गीत भी सुनाई देते हैं जो मिश्रित भाषा के नहीं हैं। ये गीत सामान्य भाषा से बिल्कुल अलग हैं, यहां तक कि गीतों के बोल भी समझ नहीं आते हैं, किंतु ये लोग अपने गीतों का अर्थ, उसका भावार्थ बहुत अच्छे से समझते हैं, जबकि अपनी मूल भाषा का इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इनके लोकगीतों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है, पुरुष पक्षी गीत, नारी पक्षी गीत और उभय पक्षी गीत। थारू के गीतों में विशेष रूप से संस्कार गीत, सांची गीत, जतसार, बटकमनी, सजना, सांगर गीत, झमटा, धमार गीत, जाटा जाटिन और साभा चकेवा जैसे गीत गाए जाते हैं। नारी पक्षीय गीतों में संस्कार गीत भी थारू महिलाएं सामूहिक रूप से गाती हैं। संस्कार गीतों में
गोसाई गीत, सगुनी गीत, कुमरापन गीत, परिधावना गीत, कन्यादान, कोहवर गीत, गाली गीत और समदावन गीत प्रमुख माने गए हैं। संस्कार गीत सामूहिक रूप से गाने की परंपरा हमें बुक्सा महिलाओं में भी मिलती है। झांगर गीत भी एक प्रकार का संस्कार गीत है। दुल्हन के ससुराल जाते समय इसे गाया जाता है। इसे दूल्हा सपेरना भी कहते हैं। इसमें बारात लेकर जाते समय दूल्हे की जो तैयारी होती है उसका भी वर्णन होता है। हमारे थरवाट में संस्कार गीत बहुत पहले से गाए जाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो गाते हैं, बच्चा बड़ा होता है तब गाते हैं, बच्चे की शादी होने को फिर तब गाते हैं, दीपावली में भी गाते हैं, जो दुख में भी और सुख में भी गाया जाता है, हर तीज त्योहार में गीत गाया जाता है। संस्कार गीत सामूहिक रूप से गाने की परंपरा हमें बुक्सा महिलाओं में भी मिलती है। हमारे में औरतें गाती हैं, मर्द मिलकर नहीं गाते हैं। जब मातों के गीत चलते हैं तो जब औरतें गाती हैं, और शादी के गीत चलते हैं तो सब औरतें गाती हैं, यानी मर्द मिलकर नहीं गाती हैं। जैसे दूल्हे आते हैं तो उसमें भी औरतें गाती हैं, और जैसे हल्दी चलती है तो उसमें भी औरतें गाती हैं, जैसे थानों में जाते हैं तो उसमें भी औरतें गाती हैं, और जैसे दूल्हों नहवाया जाता है तो उसमें भी ऐसी औरतें गाती हैं, विदाई होती है तो औरतें गाती हैं, डोली उठती है तो औरतें गाती हैं, मर्द मिलाकर नहीं गाते हैं। सांझी गीत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला महत्वपूर्ण गीत है। कार्तिक माह में गाए जाने वाले इस गीत में विशेष रूप से पत्नी के पति धर्म की झलक मिलती है। वैसे तो ये गीत बारहमासी शैली में है, लेकिन अन्य बारहमासी गीतों से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें विरह ही नहीं अपितु प्रलोभन देकर नारी को फुसलाने की बात कही गई है। ये गीत संवेगात्मक शैली में है। संवाद से जहाँ एक ओर नायिका के अखंड पति धर्म का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर हास्य रस भी परिलक्षित होता है। साथ ही नीति परक जो बातें हैं वो भी प्रकाश में आती हैं। लोकगीतों के माध्यम से नारी की पवित्रता की शिक्षा भी दी जाती है। सांची गीतों में शेरनी के द्वार पर कुत्ते के भौंकने की उपमा देकर सांची द्वारा साधु की आशाओं पर कुठाराघात किया जाता है। तेलमान गीत माएं उन नटखट बच्चों को फुसलाने और बहलाने के लिए गाती हैं जो तेल मालिश से भागते हैं। निन्या गीत एक प्रकार की लोरी है जो बच्चे को सुलाते समय माएं गाती हैं। बच्चा जब रोता है उसे भी लोरी सुना करके छुपाया जाता है। लोरी हमारे यहाँ आज भी गाते हैं और पहले भी गाते थे। बच्चा जब रोता है तब लोरी गा करके उसे सुलाते हैं। यद्रानी सैद्रा अरे दोनों दीदी री बहनिया, बाला करो बे कमला कैसो फूला कुमला बे, हे अद्रानी सद्रा अरे दोनों दीदी री बहनिया, बाला करो बे कमला कैसो फूला कुमला बे, हरी कमल तो फूलोरी है ताल सरो बना, अरे जैसे खिले रे गगन बीच तारे हो। पुरातन परंपराएं आज भी जीवित हैं। जब चक्की पर आटा पीसते समय थारू महिलाएं ठसार गीत गाती हैं। इसमें पत्नी की विरह का मार्मिक वर्णन होता है। सास नंद द्वारा दिए गए दुखों का पत्नी द्वारा वर्णन होता है। नारी अपने भावों की अभिव्यक्ति गीत के माध्यम से करती हुई अपना दुख व्यक्त करती है। नृत्यसार गीतों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का भी वर्णन होता है। दुल्हन छोटी सी बच्ची है, पति परदेश गया हुआ है। वो अपनी व्यथा किसी से न कह सकने के कारण गीत गाकर पथिक के माध्यम से पति को संदेशा भेजती है। थारुओं में सजना गीत
बिना किसी वाद्य यंत्र के गाया जाने वाला गीत है। इसमें श्रृंगार रस के साथ पति मिलन के सुख और हास परिहास का भी वर्णन होता है। बुकसाव में भी श्रृंगार गीतों की एक परंपरा है। लोकगीतों की लंबी लड़ी में झमटा गीत भी है। ये गीत भावुकता प्रधान है। परदेश जाते समय पत्नी अपने पति से अपने लिए कुछ लाने को कहती है, जिसे अकेलेपन में वो देखकर संतोष कर सके। परदेश से लौटने के बाद पति घर में सबके लिए कुछ ना कुछ तो लाता है, परंतु पत्नी के लिए कुछ नहीं लाता है। तब वो नारी अपनी व्यथा का वर्णन झमटा गीत के माध्यम से करती है। ये गीत प्रायः करुण रस प्रधान होते हैं। टेक के सहारे गाए जाने वाला प्रेम गीत धमार गीत है। इन गीतों में मनोभावों की प्रधानता रहती है। हृदय पक्ष प्राथमिक होता है और प्रेम रस से परिपूर्ण गीत नीरस हृदय में भी सरसता उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार और भी स्त्री पक्षीय गीत हैं, जो जनजाति की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से गाए जाते हैं। जाटा जाटिन गीत एक लोक प्रचलित नाट्य गीत है, जो थारू महिलाओं में गाया जाता है और इसे खेला भी जाता है। आश्विन और कार्तिक माह में साफ चांदनी रात में स्त्रियां इस गीत का नाट्य अभिनय करती हैं। जाट जाटिन के अभिनय में त्याग के अलावा वैवाहिक जीवन की विभिन्न समस्याओं, द्वंद्वों और अनुभूतियों को स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया जाता है और सरस हास परिहास का वर्णन भी होता है। थारू महिलाओं में एक और लोकप्रिय खेल बालिकाओं द्वारा खेला जाता है, सामा चकेवा गीत कार्तिक माह में छठी समाप्ति के पश्चात खेला जाता है। ये एक अभिनय प्रधान गीत है। कभी कभी सामा चकेवा खेल में नंद भाभी की छेड़छाड़ भी होती है, तो भाई बहन का पक्ष लेकर पत्नी को डांटता है। भाई दूज के गीतों के समान इनमें भी प्रगाढ़ प्रेम झलकता है। जनजातियों में आरंभ से ही मेलों में जाने की परंपरा रही है। महिलाएं मेला जाते समय वटगमनी गीत गाती हैं। गढ़ी माई का मेला, गंगा मेला, शिवरात्रि मेला, दिवाली मेला, दशहरा और तीज का मेला, हर मेले में पारंपरिक वेशभूषा धारण कर जनजाति महिलाएं वटगमनी गीत गाती हुई मेलों में जाती हैं। छीना भैया भारत धीरे धीरे हाँ कौरे छीना भैया भारत धीरे धीरे हाँ कौरे छीना भैया। मेला गीत के द्वारा ये महिलाएं रास्ते में श्रम परिहार करती हैं, जिसमें श्रृंगारिक वर्णन होता है और प्रियतम से मिलने का वर्णन भी ये लोग करती हैं। इतना ही नहीं, नारी की चतुराई और अकलमंदी का वर्णन भी इन गीतों में मिलता है। बुक्सा महिलाएं विभिन्न अवसरों पर पारंपरिक गीत गाती हैं। शादी ब्याह के अलावा खेतों में जब फसल का समय होता है, तब भी गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। देवी माँ की आराधना करती हैं, तब भी लोक संगीत प्रभावी होता है। ये मनोरंजन प्रिय जातियां हैं। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक संस्कार के लिए इनमें मनोरंजन करने का कोई ना कोई साधन अवश्य होता है। इतना ही नहीं, शिकार के लिए जाते समय भी ये लोग नाचते गाते हैं। जंगल में काम करते समय, लकड़ी काटते समय, मछली पकड़ते समय, हर समय सामूहिक रूप से गाते बजाते और नाचते रहते हैं। संगीत ही इनका जीवन है और मदिरा पान के नशे में भी ये लोग नाचते गाते हैं। जहां एक ओर महिलाओं द्वारा भावुकता प्रधान और प्रेम गीत गाया जाना साधारण बात है, वहीं जनजाति के पुरुष श्रम गीत और उल्लासपूर्ण भाग ज्यादा गाते हैं। पुरुष पक्षीय गीतों की अपनी विशेषता है। लग्नी विरहनी गीत प्रायः थारू किसान खेती करते समय या फिर हल जोतते समय गाते हैं।
घटा गहराए लाल मेरे गगन घटा गहराए, ऐसे गगन घटा गहराए लाल मेरे गगन घटा गहराए। पूरा पश्चिम से उठ रे बदरिया रिमझिम बरसत मेघा, अरे रिमझिम बरसत मेघा यारे ज्ञानी ध्यानी सब मेड़ समारे, बहगो ओहो बहगो रे जल पानी लाल मेरे गगन घटा गहरा। ये गीत प्रायः श्रम परिहार करके हलवा में मन लगाने के लिए गाए जाते हैं, किंतु इनमें पतिव्रत धर्म की शिक्षा और पारिवारिक चित्रण भी मिलता है। इन गीतों का वर्णन सरस और सुंदर तो होता ही है, साथ ही इनकी विशेषता ये है कि ये बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। उदासी बारहमासी गीतों का गान प्रायः रात्रि के समय होता है। ये गीत श्रद्धा पूर्वक गाए जाते हैं। वस्तु वर्णन का लोक काव्य रूप बारहमासा की पद्धति पर किया गया है। दूसरी भाषाओं में प्रियतम के विदेश गमन के पश्चात आषाढ़ माह से जेठ माह तक प्रियतम के वियोग वर्णन का इसमें चित्रण मिलता है। महिला बारहमासा गीतों में प्रियतम सांसारिक सुखों और भोगों से विरक्त हो चुका है और तीर्थ यात्रा करना चाहता है, तो उसकी प्रियतमा उसे निर्गुण ब्रह्म का संदेश देकर संसार में रोक लेना चाहती है, परंतु लाख यत्न करने पर भी नायक नहीं मानता है क्योंकि वो सांसारिक माया मोह से विरक्त हो चुका है। इसी समझाने बुझाने में प्रियतमा आषाढ़ से जेठ तक का वर्णन करती है। उदासी बारहमासी गीतों में 66 चरण होते हैं। चरण की समाप्ति पर सखी हरि हरि की टेक करती है। इसमें नीति निपुण और वियोग श्रृंगार का वर्णन होता है। उदासी बारहमासा संवादात्मक शैली में है। थारू और बुक्सा जनजाति के गीतों की यह परंपरा इनके आरंभिक काल से ही है। अब उन्हीं परंपराओं को आगे ले जा रहे हैं ये लोग। जिन इतिहास वेताओं ने जनजाति जीवन पर शोध काम किए हैं वो भी ये मानते हैं कि जनजाति के गीतों की लड़ी बहुत सुंदर और बहुत लंबी है। जनजातियों में गीत और तीन प्रकार के गीत हैं, नारी पक्षीय, पुरुष पक्षीय और उभय पक्षीय। पुरुष पक्षीय गीतों में लगनी बिरहनी गीत, किसान खेतों में काम करता हुआ इन गीतों को गाता है। उदासी बारहमासी होली के फगुआ गीत और झीरी गीत। झीरी गीत की एक विशेषता है कि जनजातियों में मुस्लिमों की संख्या अल्पसंख्यक है, लेकिन हिंदू लोग मुहर्रम के मौके पर झीरी गीत के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रस्तुतीकरण करते हैं। नारी गीतों में साजा गीत, तेलगान गीत, जटा जटिन गीत। जटा जटिन गीत केवल गाया ही नहीं जाता, इसका मंचन भी होता है। उदय पक्ष में बारहमासा, बिरहनी और झाजरा गीत आते हैं। इन लोगों के लोकगीतों, लोकधुनों और लोक भजनों की श्रृंखला वास्तव में अत्यंत आकर्षक है। ये गीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। भारत की इंद्रधनुषी सांस्कृतिक छटा में ये गीत भी अपना रंग छोड़ते हैं और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध करते हैं। थारू और बुक्सा जनजाति के लोग अपनी इस लोक संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए अब ध्यान दे रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये गीत सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी धुनें याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चिरकाल तक ये सुंदर लोकगीत
तराई की हरित पट्टी में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंजे।